So uh, we've read a lot about the Israel Hamas war, we've uh, discussed about Gaza, and about discussion a lot Israel Israel-Palestine Palestine. This topic is also related to that. So it's a different kind of a theory that basically uh, you would say is going on in newspaper a lot these days. So we'll try and discuss this in detail, right? Let फटाफट check if I'm visible and audible. Okay, I think I am. So good evening guys, very good evening, welcome back. Good to see you all again. सो कंटिन्यू करते हैं स्टार्ट करते हैं सेशन से सो दैट यू गैट एबल टू मेक प्रॉपर नोट्स प्लीज मेक नोट्स दिस टॉपिक हैज अ लॉट ऑफ फैक्ट्स नाउ दिस टॉपिक आई हैव इट एज दिस इवन मीन है दुनिया का सबसे छोटा रूट है बिटवीन यूरोप एंड एशिया बहुत बड़ा बिजनेस एक सुइज कनाल के थ्रू किया जाता है एक तरह से कह सकते हो कि सु कनाल की मोनोपली है ओवर दी बिजनेस और दी ट्रांसपोर्ट और दी कार्गो ट्रांसपोर्ट ओवर सी बिटवीन यूरोप एंड एशिया एंड इट कम्स थ्रू अफ्रीका तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा चंक सुनाल के थ्रू जाता है एवरी सिंगल डे एवरी सिंगल वीक मंथ एंड ईयर एंड सुनाल पर एक कंट्री की मोनोपली है विच इज इजिप्ट इजिप्ट इज वन कंट्री दैट इज अ मोनोपली ओवर सुविधस कैनाल तो इजिप्ट जैसे मान लो कि उसके थ्रू जो जो भी जाते हैं ना शिप्स वगैरह उनसे टोल तक कलेक्ट करता है इस लेवल की वो काफी नैरो है।, है ना दो साल पहले वहां पर एक बहुत बड़ी शिप फंस गई थी और वो कई दिनों तक फंसी ही रही थी क्योंकि वो नैरो पैसे से वहां पर अगर कुछ फंस गया तो फंस गया राइट तो इसीलिए आज की क्लास में डिस्कस एंटायर इशू रिलेटेड टू सुज कैनाल है ना हम लोग प्रॉपरली डिस्कस करेंगे कि इसका क्या ऑल्टरनेटिव है एंड हाउ इज इट रिलेटेड टू दाइल पैलेस्टीन वॉर दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक बहुत ही अलग इंसाइट मिलेगा आपको इस वॉर में वैन यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक तो यहां पर इसराइल बेसिकली हमने ये देखा है ना कि इसराइल ने बोला है कि भाई गाजा के सारे लोग निकलो वहां से है ना इंक्लूडिंग हमास हमास तो सबसे पहले निकलो और जो वहां के जो लोग भी हैं जो पैलेस्टीन के लोग हैं वो भी निकलो दी एंटायर वर्ल्ड ऑब्वियसली थिंग्स की ऐसा मतलब इसराइल बेसिकली फील्स की ये वापस से हमास अटैक कर सकता है ऐसा कुछ हो सकता है लेकिन इसका जो रियल रीजन है वो शायद अब निकल के बाहर आ रहा है दैट इसराइल इज एलिमिनेटिंग हमास इन गाजा टू क्रिएट अ न्यू पोटेंशियल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी फॉर देम सेल्व एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी इसराइल के लिए बन जाएगी

प्लीज मेक प्रॉपर नोट्स मैं प्रॉपरली आपको मैप्स के थ्रू सब कुछ समझाऊंगा बिकॉज वहां के जो एरियाज है वहां की जो सी वगैरह है हमको ज्यादा आइडिया नहीं है सो विल डिस्कस विद प्रॉपर इसराइल ये है गाजा और यहां पर है मेडिटेरेनियन सी थोड़ा सा बेसिक समझ जाना कि अगर इसराइल को मेडिटेरेनियन सी का पूरा एक्सेस चाहिए तो गाजा स्ट्रिप उसके अंडर होना चाहिए है ना थोड़ा पार्ट तो है ही बट दिस गाजा स्ट्रिप आल्सो नीड्स टू बी विद इसराइल काफी हद तक

कई सौ सालों से करीब दो सौ सालों से इसकी बात चल रही है डेढ़ सौ साल तो हो गए एटलीस्ट तो ये दिस पर्टिकुलर न्यू प्रोजेक्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूं इट्स कॉल्ड बेन गुरियन कनाल प्रोजेक्ट इट्स बेन गुरियन कनाल प्रोजेक्ट जिसके भी हम बात करेंगे आज की क्लास में ओके okay? so right? so पर इसराइल आर प्रमोटिंग अ रेड सी मेडिटेरेनियन सी वाटरवे बेन गोरियन कनाल एज अ राइवल टू द सुज कनाल अब पता होता भी क्या है कई बार जैसे आपको पता है कि जो इसराइल है इसराइल के अगेंस्ट रहती है अरब कंट्रीज है ना तो वो अरब कंट्रीज को राइवल करने अरब कंट्रीज कई कई बार इसराइल को धमकी देती है कि अगर तुमने हमारे साथ ये किया तो हम तुम्हारा सुज कनाल से पैसेज रोक देंगे सुएस कनाल में तुम्हें एंटर ही नहीं करने देंगे और सुएस कनाल में किसी कंट्री को ना एंटर करने देने का मतलब है कि बहुत बड़ा नुकसान उसके लिए राइट तो इसराइल को लग रहा है कि भाई ये तो बार बार का इनका नाटक है

इस तरह से ये इसको डाल देंगे मतलब अभी भी ऑब्वियसली आपको पूरा रूट तो समझ नहीं आएगा बिकॉज हम लोग इतना मैप नहीं जानते हैं, एक -एक चीज। लेकिन आप सोचो कि Israel, Israel सब लेकिन दे विल क्रिएट समथिंग लाइक दिस ये पार्ट ऑफ ये किसी समय अभी भी मतलब कहा जाता है कि इसराइल काफी बट इट्स अ पार्ट ऑफ इजिप्ट राइट नाउ राइट तो दिस इज गल्फ ऑफ अकाबा के टिप्स जो मतलब उसका नीचे वाला पार्ट है एंड गल्फ ऑफ इलाट भी बोलते हैं इसको ठीक है तो दिस इज सिचुएटेड इन सदर्न एज ऑफ वेस्टर्न जॉर्डन एंड ईस्ट मेडिटेरेनियन कोस्ट हमने ऑलरेडी देख लिया है ना जॉर्डन ये रहा रह, तो सारे यहीं पर है पूरा गल्फ ऑफ अकाबा यहां पर रहता है ये थोड़ा थोड़ा सा मैप बेसिक बेसिक्स आ जाना चाहिए ताकि हमको एटलीस्ट जगह के नाम याद रह जाए है ना यहां पर हमको बहुत इनसाइड आउट आने की जरूरत नहीं है बट बेसिक्स आने चाहिए ओके

तो वहां पर रेड सी और वाया डेड सी के थ्रू दे फेल्ट के हम आ, क्या कहते हैं एक कैनाल बनाएंगे अच्छा वॉट इज द स्पेशलिटी ऑफ डेड सी मेरे को कमेंट्स में बताओ डेड सी की एक स्पेशलिटी स्पेशलिटी बताओ दिस इज दिएस्ट सी इन वर्ल्ड सोल्टियस्ट लेक बोल सकते हो है ना Water body in the world है। मतलब अगर आप एक डेड सी में छलांग मारोगे ना तो आप उसमें डूबोगे नहीं उसमें इतना सोल्ट है कुछ कैनाल बनाते हैं राइट एटीन फिफ्टी फाइव में वहां केल थे विलियम एलिन सो ही प्रपोज समी डेड सी न्यू रूड टू इंडिया

तो एज ए रिजल्ट दे वॉन्टेड क्योंकि उस समय तो कितने एयरप्लेन भी नहीं थे राइट तो उस समय सारा का सारा ट्रेड अगर इंटर कॉन्टिनेंटल ट्रेड हो रहा है अलग अलग कंट्रीज के बीच में तो वो सी रूट के थ्रू ही हुआ करता था तो ये बहुत ही मेजर अभी भी बहुत बड़ा ट्रेड होता है सी रूट के थ्रू राइट तो इजिप्ट कुछ खास है नहीं मतलब अगर आप देखो ना तो इजिप्ट का अपना कुछ खास वहां पे होता नहीं वहां पे मोस्टली डेजर्ट्स ही हैं लेकिन इस वजह से इजिप्ट इज अ वेरी प्रॉस्परस कंट्री तो यहां पे दिस पर्सन डिड नॉट नो वन थिंग अबाउट डेड सी कि डेड सी का जो पर्टिकुलर सी लेवल है ना ही डिड नॉट नो दैट सी वॉज मच बिलो द सी लेवल ऑल दो चलो ठीक है इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा उनका आइडिया ये था कि हम रेड सी डेड सी और मेडिटेरेनियन सी तीनों को कनेक्ट कर देंगे एंड दिस वुड मेक द प्रोजेक्टेड कैनाल कह सकते हो कि उसकी रिलायंस कम हो जाएगी हम पे और उस समय भी सुज केनाल बना नहीं था सुज अ प्रोजेक्टेड कैनाल अगेन

जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्रेसिडेंट्स ऑफ इजिप्ट गमाल अब्दुल नसर गमाल अब्दुल नसर वांटेड कि हम लोग इस पर्टिकुलर कनाल को नेशनलाइज कर देंगे बेसिकली इट विल बी इजिप्ट गवर्नमेंट्स प्रॉपर्टी राइट तो वो नेशनलाइज करने वाले थे 1956 में उन्होंने अनाउंस किया था सो दे सेड कि भाई अगर ऐसा कुछ करेंगे तो हमको तो फिर अपना एक ऑल्टरनेट रूट निकालना पड़ेगा अदरवाइज दर वर्ल्ड ट्रेड इज गोइंग टू बी ऑन दी मर्सी ऑफ इजिप्ट कि इजिप्ट चाहेगा तो होगी इजिप्ट नहीं चाहेगा तो नहीं होगी तो उनको लगा कि भाई कुछ नया रूट निकालते हैं लेट्स फिगर आउट ए न्यू रूट राइट क्लियर है ये यहां से सबको समझ में आ गया एक बार मेरे को बता दो कमेंट बॉक्स में एवरीबॉडी ओके परफेक्ट चलो लेट लेट्स कंटिन्यू विद दिस अब दिस कंट्रोवर्शियल प्लान वाज नॉट नोन टू द वर्ल्ड फॉर ऑलमोस्ट थर्टी इयर्स इनफैक्ट मोर देन थर्टी इयर्स ये दुनिया को पता चला 1994 में और ये क्या प्लान था व्हाट वाज दी प्लान इट इन्वॉल्व 520 न्यूक्लियर ब्लास्ट टू एक्सकेवेट मोर देन वन माइल्स थ्रू इसराइल नेगेटिव डेजर्ट इंस्टेड ऑफ द ट्रेडिशनल मेथड्स तो ट्रेडिशनल मेथड तो अलग होते है ना, कोई हैं हिल विल में अगर कुछ बन रहा है, तो हम भी वाले थे बीस न्यूक्लियर ब्लास्ट और कभी किया नहीं वैसा बट दिस वॉज इन देर प्लान कि हम लोग ऐसा करते हैं एंड काफी बैकलैश हुआ था इस चीज पे कि भाई आप कैसी बात कर रहे हो हर जगह आप न्यूक्लियर एनर्जी को खत्म करने की बात कर रहे हैं और आप न्यूक्लियर ब्लास्ट करने वाले थे वहां पे ठीक है तो दिस प्रपोजल ऑल्सो नोटेड द प्रोजेक्ट विल बी एग्रेसिवली अपोज बाय अरब बिकॉज वहां पर आप कहीं भी ब्लास्ट कर लो कितना भी शांति से कर लो इट विल नॉट बी दैट शांत पूरी जमीन हिल जाएगी 520 ब्लास्ट में तो इसीलिए उनको समझ में आया कि दिस विल नॉट बी वायबल है ना और यूएस को एक अपना इमेज लेके चलना था वेर वर काइंड ऑफ द गार्डियंस ऑफ वर्ल्ड तो कर नहीं पाए फिर ये राइट तो 160 माइल न्यूक्लियर ब्लास्ट से खोद देते वो ठीक है अब यहां पर उन्होंने ये नोट किया

एग्जैक्टली ठीक है तो यहां इस इस का भी इस कमीशन का भी नाम लिखना यूएस एटॉमिक एनर्जी कमीशन इसने कहा था कि भाई वी वुड यूज पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन तो ये मेमो जो बाहर आया ना 1994 में इसमें ये सारी बातें पता चली कि अच्छा ये कुछ ऐसा करने वाले थे दिस वाज अ पार्ट ऑफ द प्लान तो ये काफी अजीब सी बात है, है ना इट्स वेरी uh, तो से वियर्ड काइंड ऑफ अ थिंग चलो तो जो पी एन ई प्रोजेक्ट है दैट रिमेन्ड एक्सपेरिमेंटल वो कभी किया नहीं गया आफ्टर यूएस फाउंड जो पाउंडी सेवन एक्सपेरिमेंट है ना उन्होंने सॉरी इरिडिएटेड इरेडिएटेड लैंडस्केप इसका ये मतलब है कि भाई अगर आप ऐसा कुछ भी करोगे जो, जो पहले किया गया थोड़ा बहुत है ना उसमें काफी ज्यादा लैंडस्केप खराब हो जाता है इट्स नॉट जस्ट कि आप वो पांच सौ ब्लास्ट कर दोगे और सब कुछ आसान रहेगा वहां पर जाकर आ सकते हैं बहुत सारे है ना? सुनामी जा सकती है, जो ट्रेड को बहुत कर देंगी तो यहां पर ये जो पर्टिकुलर थी, इसको 1974 में हटा दिया गया है ना वो उस टाइम बनी थी 63 के आसपास जब ये प्लान एक्चुअली करने वाले थे इट जो लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी थी वो आज तक है तो ऐसे कई लोग मानते हैं कि ये सिर्फ नाम का हटाया यूएस स्टिल प्लांस टू डू समथिंग लाइक दिस

ठीक है क्लियर है ये चलो सो दिस पर्टिकुलर इसका नाम बैनकुरियन को रखा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वाई इज इट कॉल्ड बैनकुरियन इट इज बिकॉज इट्स नेम्ड आफ्टर इसराइल्स फाउंडिंग फादर है ना इसराइल के फाउंडिंग फादर का नाम है डेविड बैन गुरियन दैट इज वाई दिस पर्टिकुलर कैनाल वॉज ऑल्सो गोइंग टू बी नेम्ड बैनकुरियन कनाल ठीक है ये लिख सकते हो आप लोग है ना तो जैसे मैं आपको बता रहा था इट स्टिल इज वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एवर ऑन पेपर अभी तो कुछ हुआ नहीं है इसके बारे में कुछ बट ऐसा माना जा रहा है कि इसराइल ने अटैक करवाया है इसीलिए इस वजह से है ना तो यहां पर इफ इट वॉज एक्चुअली कंप्लीटेड इट विल ट्रांसफॉर्म इजिप्ट मोनोपोली फॉर एवर इन बिटवीन यूरोप एंड एशिया यूरोप एंड एशिया में जो इजिप्ट का भी एकदम इधर अकेला वो जो सिक्का चलता है ना वो खत्म हो जाएगा है ना इसराइल को इसराइल को कई बार धमकी भी देते हैं ऑल दो इजिप्ट और इसराइल के रिलेशन इतने खराब नहीं जितने पैलेस्टीन जॉर्डन वार्डन के लेकिन फिर भी हमेशा धमकी देते रहते कि भाई हम आपको ना यहाँ पर घुसने नहीं देंगे अगर आपने अटैक किया तो ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे तो इसराइल सोच रहा है कि यार छोड़ो इनको हटाओ राइट right. अब हो सकता है क्या हाँ हो तो बिल्कुल ही सकता है हो क्यों नहीं सकता अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है तो अभी तो प्लान ही है आगे जा जाकर वो कर दे ऐसा नेवर नो सो दिस पर्टिकुलर प्लान विद्राम अकॉर्ड ऑल्सो मेरे को बताओ क्या होता है अब्राहम अकॉर्ड ये सबको पता होना चाहिए शुड नो अकॉर्ड्स आर मैं में वेट कर रहा इन 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 लाइक टेल मी बताओ नहीं ट्वेंटी ट्वेंटी नहीं ये कोई जवाब नहीं हुआ ट्वेंटी ट्वेंटी तो मैं कोविड भी बोल सकता हूं फिर अब्राहम अकॉर्ड uh, तो दिस इज पीस डील बिटवीन सम अरब कंट्रीज इन इजराइल हमको जनरली पता है अरब कंट्रीज आर वेरी मच अगेंस्ट इजराइल तो और uh, उनके बीच में कुछ पीस डील्स थी विच इंक्लूड यूएई एंड अदर कंट्रीज काफी सारी अलग अलग कंट्रीज इंक्लूड किया था

करेक्ट पीस टी तो नाउ अनथकेबल ये हुआ 2020 में तो इजरायली स्टेट ओन्ड यूरोप एशिया पाइपलाइन कंपनी राइट दिस दिसराइल ओन करता है एंड यू एम आर ईडी लैंड ब्रिज दे साइंड एन देमेंट आफ्टर दीज अकॉर्ड और ये दिस वॉज लाइक समथिंग इम्पॉसिबल कि अरब्स और इजरायली साथ में काम कर रहे हैं इट वॉज इम्पॉसिबल बट समथिंग लाइक दिस है ना अल्टीमेटली like क्या होता है कि वो जो लड़ाई वड़ाई है ना वो अपनी जगह है पर सबको अपना फायदा चाहिए

उसमें दिखाता है लाइव स्ट्रीम मेरे को जो मेरे लैपटॉप में सामने दिख रहा है उसमें लिखा हुआ होता है उसमें लिखा हुआ है एक्सीलेंट कनेक्शन तो जब तक वो एक्सीलेंट से कुछ हटता नहीं है मैं अभी हटता नहीं हूँ किसी की लैग मानता नहीं हूँ मैं तो दिस दिस इज थिंग नहीं, नहीं नहीं हो रहा है क्या होता है भाई मतलब आपका इंटरनेट भी तो खराब हो सकता है हो रहा है क्या हुआ है आज हमारी क्लास में भी हुआ था सवा पांच वाली क्लास में एक बच्चा बोलता है कि सर हमारा तो वाईफाई से तो सही चलती है आपकी क्लास लेकिन हमारे मोबाइल इंटरनेट से नहीं चलती अब बताओ मोबाइल इंटरनेट और वाईफाई में इंटरनेट तो इंटरनेट ही होता है वाईफाई बेटर होगा होगा। मोबाइल इंटरनेट चलता नहीं तो ये, ये तो आर्ग्यूमेंट ही नहीं हुआ ना कि ना। फिर उसको खुद को समझ में आ गया पांच के अच्छा, मेरा फोन कनेक्ट नहीं चल रहा था ठीक है तो अप्रैल दो अप्रैल दो हजार अनाउंस दैट वर्क ऑन दी बैन कुरियन के बट इजराइल ने अनाउंस किया था और इनिशियल रेफरेंस था इट वॉज पब्लिड टू इन बैक इन हिब्रू लैंग्वेज पब्लिकेशन हिब्रू इज बेसिकली लैंग्वेज ऑफ तो उसमें इसको पब्लिश किया गया था राइट right. तो यहां पे दिस इज हिब्रू लैंग्वेज पब्लिकेशन तो एज पर दि सोर्सिस ऐसा माना जाता है कि इसराइल विल बिल्ड दल फ्रॉम एलैट ऑन दी टू मेडिटरेनियन इलाइट इज अगेन दैट गल्फ ऑफ अकाबा सेम ही है राइट तो इट इज दैट ओनली ई लाइट और अकाबा को सेम आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो राइट लिख लो प्लीजे राइट right? चलो आगे बढ़ते हैं. आज हमें कल जितना टाइम नहीं लगेगा अच्छा मैं आपको यह भी बता देता हूँ इफ यू आर एंजॉइंग वॉट आर डूइंग फॉर द लास्ट टू मंथ्स यू कैन डेफिनेटली जॉइन अर फाइव फिफ्टीन क्लासेज ऑल्सो यू कैन जॉइन अदर क्लासेस ऑल्सो मतलब हम लोग काफी सारी क्लासेस कर रहे हैं ठीक है तो इज अ प्रॉपर क्रैश कोर्स दट वी हैव ब्रॉड फॉर यू विच विच इज रनिंग दिवाली ऑफर राइट नाउ तो अभी आ सकते हो उससे पहले आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो यू कैन ऑल्सो विजिट द वेबसाइट विच इज ट्वेल्व मिनट टू क्लाट डॉट कॉम है ना अगर आपको यह लेजिटिमेट लगता है तो इट इज नॉट एन एडवर्टीजमेंट टिक इट बेसिकली इन्फॉर्मिंग यू कि यू कैन विजिट दिस यू कैन हैव अ लुक एट वॉट वी हैव फॉर यू एंड विल बी एबल टू डेफिनेटली गेट अ लॉट ऑफ यू वुड से इंपॉर्टेंट मटीरियल इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट सेक्शनल टेस्ट एंड दीज थिंग्स तो आपको हेल्पफुल रहेगा वी हैव ऑल्सो रिसेंटली लॉन्च जो कोर्स ऑन एनालिटिकल रीजनिंग ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ है सिक्सटीन से स्टार्ट होगा आज फोर्टीन है हाँ तो ही परसों से स्टार्ट होगा तो आप लोग इसको अभी भी ज्वाइन कर सकते हो इट्स एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली मतलब ये आप जाकर देखो इट्स वेरी वेरी अफोर्डेबल अफोर्डेबल क्या मतलब वेरी चीप बोल सकते हैं इसको है ना तो आप लोग जाकर यू कैन यूज दिट ऑल्सो फॉर योर एडवांटेज सो सो हैज नॉट अभी फार so कह सकते हो बिल्ड दिस कैनाल इसरा ने अभी तक तो बनाया क्यों नहीं है फिर तो यहां पर फर्स्ट एंड फोरमोस्ट ये जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है ना इट इज वेरी प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव इतना आसान थोड़ी है भाई कैनाल बनाना कोई कोई को, नॉर्मल नदी पे कनाल थोड़ी बनाना है कितनी सारी चीजें आपको रस्ते से हटानी पड़ेगी कितनी सारी कंट्रीज की परमिशन लगेंगी सब देंगी भी नहीं देंगी पता नहीं है राइट right? तो इसीलिए यहां पे दस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सच प्रोजेक्ट में भी एज हाई एज

क्योंकि हंड्रेड बिलियन डॉलर तो उनका दिमाग घूम गया इसलिए उन्होंने देखा था कि भाई हम लोग ऐसे ऑप्शन को देखते हैं जो एक्चुअली हम कर पाए तो न्यूक्लियर न्यूक्लियर वाला जो एक्सप्लोजन था कि ये बेटर होगा शायद क्योंकि हमें सस्ता पड़ेगा लेकिन रिस्क ऑफ न्यूक्लियर कुड भी एक्सट्रीमली रिस्क भाई फैल गया तो पूरी दुनिया में फैल जाएगा तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है थोड़ा सा सुइस कैनाल के बारे में जानते हैं अब मैंने आपको बताया था ना इन मिडिल ऑफ एटीन सेंचुरी सॉरी इन मिडिल ऑफ एटीन हंड्रेड यू के थिंकिंग अबाउट अ प्लान तो उस समय कैनाल बन रहा था राइट रह एटीन फिफ्टी एट में दिस पर्टिकुलर कंपनी कॉल्ड यूनिवर्सल शिप कैनाल कंपनी ठीक है दिस कंपनी वॉज फॉर्मड और ये इसका ये फ्रेंच में ये नाम है दोनों लिख सकते हो इसको बनाया गया उसका बाद में एक तरह से कह सकते हो कि डायरेक्टर बनाया गया इन पर्सन को ठीक है फोर्ड लीसिप्स दिस पर्सन वॉज मेड द डायरेक्टर एंड वॉज गिवन द राइट टू बिगिन एंड कंस्ट्रक्टिंग एंड दिस कंपनी वॉज गिवन द राइट टू ऑपरेट इट फॉर नाइनटी नाइन ईयर्स फर्ट नाइंटी नाइन ईयर्स दिल मेक इट एन ऑपरेटेड क्योंकि जो कंपनी बना रही है अपना खर्चा भी निकालेगी और उसके बाद में Egyptian government. Egyptian government would control the canal after that time. तो अभी वो इजिप्ट के अंदर है कई सालों से Right, लिख लो तो अगर ये दूसरा canal बनता है ना हमें तो बहुत फायदा है क्योंकि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात se. हमारे पास आ, आने के लिए दो रूट हो जाएंगे और दूसरा रूट और भी छोटा हो जाएगा तो इट्स गुड फॉर अस वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम है आपको बताऊंगा कि लंदन से मुंबई का जो रास्ता है एंड लंदन इज ऑन वेस्टर्न कोस्ट एकदम यूरोप के तो कितना कम हो जाएगा आई विल एक्सप्लेन इट टू यू ठीक है तो कैनाल इट्स अ मैन मेड कनेक्टिंग द मेडिटेरेनियन सी टू तो द इंडियन ओशन वाया द रेड सी 120 माइल्स का कैनाल है ये फ्रॉम द पोर्ट सईद ऑन द मेडिटेरेनियन सी इन इजिप्ट उथ वर्ड टू दिटी ऑफ सुज कॉल दीज ठीक है क्यों ये क्या बात है दिवाली और अटेंशन स्पेन का क्या लेना था दिवाली तो एक दो दिन की थी भाई मतलब अटेंशन वो कभी कभी ऐसा होता है कि जो तो दो दिन मजे कर लिए तो तीसरे दिन पढ़ाई करने में थोड़ा आलस आता है तो वो एक दो दिन लगते हैं सेट होने में हो जाएगा डोंट वरी है ना कल वी वोट बी डूइंग दिस क्लास डूंगा कल तो आई वुड बी ट्रैवलिंग और कल इंडिया का सेमीफाइनल भी है तो कई लोग बहुत खुश होंगे कई लोग बहुत दुखी होंगे वी विल कीप इट होल्ड फॉर टुमारो डे आफ्टर से शुरू करेंगे तो okay? so यहाँ पे वेन इट ओपन इन एटीन सिक्सटी जब वो एक्चुअली बन के खुला वहां पे शुरू हुआ इट रेवल्यूशन ग्लोबल मेरी ट्रेड मतलब बहुत अजीब अजीब रूट ढूंढने पड़ते थे ये सुज कनाल इज रेवल्यूशनाइज और सोचो पिछले डेढ़ सौ साल से ज्यादा से यही एक रूट है जिससे मोस्टली ट्रेड त्रेड़ की जा रही है यही एक रूट बचा है जो पूरा ऊपर से बाकी छोटे मोटे और मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा बट नॉट एज इंपॉर्टेंट एज कैनाल सो कनेक्टिंग मेडिटोर रेड थ्री थ्रू दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रॉफ ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू उन्होंने कनेक्ट किया दिस पर्टिकुलर सिटी ऑफ सुज अच्छा कौन सी कंट्री में सिटी ऑफ सुज कहां पड़ती है सुएस बताओ मेरे को कॉमेंट में वॉट इज सुज मतलब वॉट इज सुज नहीं वेर इज सुज इजिप्ट है ना इतनी देश हम इजिप्ट की बात कर रहे हैं तो ये क्या करते हैं कि जो जो भी शिप है ट्रैवलिंग बिटवीन यूरोप एंड एशिया

ये बीच में पूरा कुछ 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 कंट्रीज ही है तो ऐसा नहीं है कि यहां से यहां जा सकता है बीच में सारा भरा हुआ है ठीक है ऑल ऑफ दीज आर लाइक सम कंट्रीज यहां पे तो दी ओनली वे जैसे आपको याद है गामा जब इंडिया आए थे केम फ्रॉम साउथ अफ्रीका वाला वो केप ऑफ गुड होप वाला जो रूट था तो वो कितना बड़ा रूट था उस टाइम कोई सुजस कैनल था नहीं तो आपको जनरली इस रूट से आना पड़ेगा दिस वुड बी द रूट जिससे गामा इंडिया पहुंचे थे राइट लेकिन कैनाल प्रोवाइड्स एन प्रोवाइडर लाइक दिस तो ये आपको इस तरीके का ऑल्टरनेटिव दे देता है तो आपका कितना समय फ्यूल, टाइम कॉस्ट सब कुछ बच गया तो इसीलिए इसका कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं फिलहाल तो राइट तो दैट इज हाउ दिट वर्कस मेरा थोड़ा क्रिएटिव क्वेश्चन बहुत लो है मैं मतलब व्हेन आई वाज इन स्कूल मैं बिल्कुल ड्राइंग में इतना फेल हो जाया करता था कि और मेरे को सेम मतलब कोई तुम कुछ भी बनाने बोलो आई विल मेक द सेम थिंग वो गंदी सी पहाड़ वाली सीनरी उसके ऊपर सन फिर उसमें एक नदी बह रही है फिर एक साइड में आ, क्या कहते हैं एक घर बना हुआ है अब घर में थोड़े से इंप्रूवमेंट कर करके मैं उस पर चिमनी बना दिया करता था एक साल मतलब फिर एक साल में और कुछ घास अच्छी कर देता था फिर मेरे को बहुत टाइम बाद रियलाइज हुआ कि मैं बोट के ऊपर फिश बना रहा हूँ जबकि फिश नीचे होनी चाहिए बोट ऊपर होनी चाहिए कि बोट के ऊपर फिश कैसे रहेगी ऐसे ये इस लेवल की ड्राइंग है मेरी तो मुझे मैं बना रहा हूँ वो तो बहुत ही अच्छा है राइट right, तो मतलब हाँ, वो एकदम वैसे टू बी लाइक अ वेरी कह सकते हैं नाइट मेल्स फॉर मी वो क्लास में जाना और हमारे फिर एक उन्हीं मैम मैम ने ने स्टार्ट किया था ड्राइंग वाली ने क्राफ्ट कि तुम अपने घर से सामान लेके आना हम क्राफ्ट बनवाएंगे मेरे को तो पहले सामान लाने में इतना आलस आता था कि सामान लेकर जाओ और फिर मैं फेविकॉल पूरे हाथ पे चिपक जाता था जिस वो क्राफ्ट वाली क्लास के बाद दो पीरियड तक तो हाथ से फेविकॉल निकालते रहते थे और मेरे को कुछ बन बनाना भी नहीं आता था जेन्यू कुछ भी बनाना नहीं आता था तो हमारी क्लास में ऐसा रूल बना था बहुत ही अच्छा रूल लगा था मुझे कि जिसको क्राफ्ट नहीं करना वो खेलने जा सकता है ये तो तो फिर मैं पहले पहले निकल जाता मैम के आने से से ही खेलने सो so, uh, anyway, तो एक तरह से आपको पूरा कॉन्टिनेंट नहीं घूमना पड़ेगा अफ्रीका का बीच में से निकल जाओगे आप तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट है ठीक है तो इट कट द डिस्टेंस बिटवीन लंडन एंड बॉम्बे बाय मोर देन फोर्टी वन परसेंट आप सोचो मतलब डिस्टेंस कम हो गया आपका, तो 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 जो किलोमीटर थे वो रह गए। तो पर वेसल इन ऑफ़ ग्लोबल शिपिंग। दुनिया की तो जितनी भी दुनिया में शिप्स चल रही है ना उसमें से छब्बीस हजार तेरह परसेंट इसी कैनाल से निकली है आप सोचो कितना ज्यादा बड़ा इन्वॉल्वमेंट इं, है इसका मेरे को कुछ कुछ चीजें कभी आई ही नहीं आई वॉज वेरी गुड एट स्पोर्ट्स बट आई वॉज वेरी बैड एट कराटे तो हमारे स्कूल में कराटे सिखाने का अलग क्लासेस होती थी कराटे सिखाएंगे और उसमें कुछ काथा होता है अगर आप लोगों ने कभी कराटा सीखा तो फर्स्ट खाता सेकंड खाता वो सर एट तक पहुंच गए मेरे को फर्स्ट भी क्लियर नहीं हो रहा तो फिर उन्होंने एक बार एक कॉम्पिटिशन रखवा दिया कि मतलब वी विल डू लाइक अ कॉम्पिटिशन प्रॉपर की दो लोग फाइट करेंगे और सबको कुछ एक एक दिया जाएगा कि यू विल डू फर्स्ट सेकंड समथिंग लाइक दैट और फिर आप लड़ोगे तो मेरी फाइट जिससे हुई मेरे को तो आता तो मैंने तो थप्पड़ मार दिया तो फिर उसको सर को लगा कि इसको आ नहीं पाएगा तो फिर उन्होंने मेरे को कहा कि जब भी तुम कराटे का पीरियड हो तुम खेलने चला जाया करो तो हमारे वैसे देखा जाए तो हफ्ते में दो ही गेम्स के पीरियड आते थे लेकिन मेरे को पांच मिलते थे कभी कभी क्राफ्ट का कभी कराटे का कराटे सारे गेम्स पीरियड राइट तो यहां पे इश्यूज क्या है सुस कनाल के साथ जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया ये लिख सकते हो इट्स वन नाइनटी फाइव किलोमीटर किलोमीटर लॉन्ग विच इज गुड इनफ लेकिन सिर्फ दो सौ पांच मीटर वाइड है ये ठीक है इतना कम एंड ट्वेंटी फोर मीटर डीपर्ल्ड बिगेस्ट शिपिंग बॉटल नेक बॉटल नेक का क्या मतलब होता है बॉटल देखिए ना अपने आपने कभी तो बॉटल का जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो पतला सा होता है है कॉल्ड बॉटल नेक जहां पर फंसती तो ये एक बहुत बड़ा बॉटल नेक है जहां पर शिप्स बहुत बड़ी बड़ी फंस जाती है so so तो डिस्पाइट बिंग वाइड एंड एंड डीप एंड ओवर सो मैनी कई बार किया जा रहा है बट अभी तक भी मतलब यहां पर ये यह कह सकते हो कि ट्रैफिक वाला इश्यू सॉल्व नहीं हो रहा है दैट इज नॉट बिंग सॉल्व ठीक है

तो हंड्रेड बिलियन से ऊपर का नुकसान हो गया शिप के फंसने से ऑलमोस्ट तो इजिट्स कंट्रोल ओवर दी वॉटर वेल्सो बी सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट फॉर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कॉन्फ्लिकॉर ऑलोट से इजिप्ट जो अपनी बादशाही चलाता है वहां पे कि भाई ये तो हमारी कंट्रीज होता हुआ जाता है तो हम यहाँ पर टोल लेंगे वरना आगे नहीं जाओगे तो इजिप्ट डज ऑल ऑफ दैट क्योंकि 1956 में अब्दुल अब नसर ने क्लियरली बोला था कि भाई हम लोग नेशनलाइज कर देंगे जब वॉर हो गया था बिटवीन यूके फ्रांस एंड इजराइल अटैकिंग इजिप्ट इन ऑर्डर टू रीगेन कंट्रोल तो उन्होंने कहा था कि तुम कर लो लड़ लो हम तुम्हें आगे नहीं जान देंगे यहां से तो फिर तो इस कनाल ने वहां पर कह सकते हो कंक्लूड विद मिलिट्री विक्ट्री फॉर द इजिप्ट कि जब मिलिट्री वहां पर जीती इजिप्ट की तब वो क्राइसिस खत्म हुआ सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये इससे इंपॉर्टेंट कोई कनाल है ही नहीं सो इट वाज अ फोकल पॉइंट फॉर दी बोथ ऑफ नाइनटीन एंड सेवेंटी ये हमने जब इसराइल पैलेस्टीन इशू किया था इट आई राइट

हैज वेंट अंडर क्लोजर फॉर ऑन फाइव ओकेशन पांच बार ऐसा रहा है कि बंद ही कर दिया गया है और आठ साल का पीरियड था वो सिक्सटी सेवन सेवेंटी फाइव वाला कंप्लीटली है ना ऑब्वियसली इजिप्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है टोल वोल कलेक्ट करते हैं ये तो बहुत रेवेन्यू जनरेट करते हैं आप सोचो एक नेशनल हाईवे का जो टोल होता है वो कितना पैसा इकट्ठा कर लेता होगा ये तो इंटरनेशनल वाटर वे है थर्टीन परसेंट दुनिया की ट्रेड यहाँ से हो रही है कम से कम तो इट कलेक्टन लॉट ऑफ रेवेन्यू दैट वे ठीक है ये देखो ये बेसिक सा आपको इसराइल कनाल प्लान जो है तो दिस इज और वो यहां से खेचने का सोच रहे हैं कि हम लोग यहां कैनाल बट तो 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 इतना आसान नहीं, तो, इस तो, तो बैनगुरियन इसका देखे तो बैनगुरियन इज ओवर हंड्रेड किलोमीटर लॉन्गर देन दीज कल और भी ज्यादा बड़ा बनेगा राइट तो यहाँ पर की रीजन ये है इज दट मैचल मर्चेंट वेसल्स हैल्टरनेट सेलिंग अफ्रिकन सादर्न टिप ऑल्टरनेट हो जाएगा यहां पे ठीक है राइट लिख लो राइट लिख लो बिल्ड दिस अभी तो मैंने बताया वो कंपनी वंपनी का नाम उस कंपनी के जो डायरेक्टर थे उनका नाम दिस्कुर्ण दिस्कुर्ण थिंग है। थोड़ा ध्यान दो तो दिस कैनल विल ड्रास्टिकली रिड्यूज दॉसिबिलिटी ऐसा माना जाता है कि किसी दिन इजिप्ट की वजह से ना पूरी दुनिया डूबेगी क्योंकि ये किसी दिन कुछ इसमें कर देंगे दे विल डू समथिंग अबाउट दिस कैनल विच विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर एवरीबडी तो इसलिए इट विल गिव इजराइल फ्रीडम फ्रॉम ब्लैक मेल दट अरब कंट्रीज गिव इजराइल की भाई हम तुम्हें रोक देंगे हम तुम्हें जाने भी देंगे तो ब्लैक मेलिंग भी यहां पर खत्म हो जाएगी ऑल ऑफ दैट विल डन सो अरब स्टेटिंग प्रेसर दिन रिस्पॉन्स इराइल टू गेन मोर कंट्रोल ऑफ द रेड सी नाउ तो यहां पर वो बेसिकली अरब्स और इसराइल का इशू है तो इसीलिए द एंटायर पॉइंट बिहाइंड दिस टॉपिक इज टू मेक यू यूज अंडरस्टैंड दैट दिस कुड बी इजराइल मूव टू टेक मोर कंट्रोल ऑफ गाजा टू टेक कंप्लीट कंट्रोल ऑफ गाजा

ओके लिख लो ओके प्लीज राइट दिस डाउन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू गेट अ क्वेश्चन फ्रॉम इजराइल पैलेस्टीन देर इज अ वेरी गुड चांस दैट यू माइट गेट अ क्वेश्चन समवेयर फ्रॉम हियर एज वेल सो इस कैनाल कैन बी इंटरलिंक्ड आपने देखा ना क्लैट इज अ टेंडेंसी ऑफ आस्किंग वेरी रैंडम क्वेश्चंस तो ये क्लैट की रैंडमनेस को थोड़ा काउंटर करने की कोशिश है

साइज uh, लिख लो सेवेंटी टू हंड्रेड किलोमीटर्स राइट इतने बड़े बड़े आप सोच सकते हो दिस इज यूज है ना वैसे जो जो लोग क्लैट की प्रिपरेशन एटलीस्ट दो महीने से कर रहे हैं और आप अगर ये क्लास भी दो महीने से अटेंड कर रहे हो तो थोड़ा थोड़ा ऐसा लगने लग गया है ना कि अब दुनिया के सारे इवेंट्स के बारे में अच्छी खासी नॉलेज हो गई है yeah, और ना और नॉट जस्ट लाइक अ जो मीडिया में दिखाया जा रहा है वैसी नॉलेज लाइक अ प्रॉपर फैक्चुअल लीगल नॉलेज अबाउट थिंग्स राइट right? तो ये क्लैट प्रिपरेशन का एक बहुत बड़ा प्लस है मतलब क्लैट होगा नहीं होगा इज नॉट इन आर हैंड से तो बट uh, आप बहुत ज्यादा अवेयर हो हो जाते अबाउट चीजें एंड अगर आपको इन चीजों में इंटरेस्ट आने लग जाए ना आफ्टर अ पॉइंट देन यू डोंट लाइक लीव दीज थिंग्स सो व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट आई रियली रोज टू लाइक दीज काइंड ऑफ टॉपिक्स और दीज काइंड ऑफ डिस्कशन तो वो इतना अच्छा लगने लगा आफ्टर अ पॉइंट दैट आई नेवर लेफ्ट इट लाइक पूरी तरह से कभी भी नहीं छोड़ा तो दैट इज वाई मतलब मुझे चीजें पता रहती है क्योंकि मैं काफी सालों से चीजें पढ़ रहा हूं अब तो आप लोगों के साथ भी ऐसा होगा अगर आपको इंटरेस्ट है तो मतलब कई लोग तो उसे पढ़ाई के लिए काम चलाने के लिए आते हैं लेकिन इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली होगा ओके तो ये करता है देखो फ्री बिटवीन इंडिया ईरान अजरबैजान एशिया सेंट्रल एशिया रशिया वगैरह के बीच में 2002 में बनाया गया था एंड इट कट्स द करंट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बिटवीन 30 टू 60 परसेंट तो ये काफी यूजफुल कॉरिडोर है ओके चलो मिले नेक्स्ट वन हाइफा पोर्ट तो दिस हाइफा पोर्ट अब तो अडानी ग्रुप के अंदर आ गया है वाला पोर्ट सो दिस इज इज़राइल सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट जो फिलहाल अडानी ग्रुप को लेड कंसोर्टियम ने अंदर अंदर कर लिया है। उसको और डेवलप कर रहे हैं ठीक है ना एक अल्टरनेटिव रूट के लिए दे आर बेसिकली क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर दिस राइट एंड वन लास्ट वन लास्ट वन इज दॉर्दर्न सी रूट तो नॉर्दर्न सी रूट इज टूवर्ड राला साइड ठीक है $29 2022, 2035. So उसको और ज्यादा बना रहे हैं तो so ये ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ आक्टिक क्वेश्चन को कनेक्ट करता है दैट इज वॉट इट डज बस इतना सा लिखना है इसमें राइट right? आर वी क्लियर विद दिस गाइज एवरीबडी समझ में आ रही सबको ये बातें थोड़ा 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 समझ में आ रहा होगा uh, मेरी क्लास के बाद पता है क्या क्या करो जनरली दिस इज अ वेरी नॉर्मल यूजल एडवाइस मैं कई बार देता हूँ राइट आफ्टर क्लास डोंट लाइक अपनी नोटबुक साइड में फेंक दी कल देखेंगे मत करना आफ्टर एवरी क्लास सिट अगेन फॉर टेन फिफ्टीन मिनट एंड रीड वॉट यूर रिटर्न ठीक है अगर उसको एक बार रीड कर लेते हैं ना वो रिटेन रहता है इनकेस टेस्ट में आ गया ना तो कभी कभी हम रिवाइज नहीं कर पाते कुछ चीजें तो भी वो दिमाग में रह जाता है आपसे पूरी कहानी नहीं पूछूंगा में, कि आपने शुरू से लेकर बताओ कि 1850 से तक क्या चल रहा है? नहीं मैं आपसे कुछ फैक्ट पूछूंगा तो वो चीजें दिमाग में रह जाती है और अभी तो क्या जल्दी जल्दी लिख रहे हैं तो ज्यादा कुछ सोच नहीं पाते जब हम ध्यान से उसको दस पंद्रह मिनट पढ़ते हैं ना तो उसमें मार्क करते हैं कुछ चीजें कुछ चीज को हाईलाइट कर देते हैं तो वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है तो छोटी सी छोटी चीजें क्लैट वो एग्जाम ही नहीं है जिसमें बहुत ही आपको एक्स्ट्रॉर्डनरली कुछ करना पड़े बस छोटे छोटे डिफरेंसेज क्योंकि ज्यादातर लोग ये नहीं करेंगे आप कर लोगे तो आपको फायदा होगा राइट सो दैट्स हाउ वी 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 वर्क सो 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 दैट्स इट फ्रॉम फ्रॉम माय एंड थैंक यू मच गाइस विल हैव अ ब्रेक टुमारो दिस दीस क्लासेस ठीक है विल कंटिन्यू डे आफ्टर टुमारो सो कल मैच वाइज देखो लेट्स होप इंडिया विंस एंड ऑल्सो अ वेरी हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल ऑफ यू है ना मैंने ग्रुप पर अपने uh, चैनल पर विश कर दिया था सबको लेकिन आई कुडंट विश यू पर्सनली सो अ वेरी वेरी हैप्पी चिल्ड्रंस डे अब तो खैर खत्म ही हो गया बट और अब थोड़ा चिल्ड्रन वाली फीलिंग भी कम आती है ना ज थोड़े बड़े हो गए हैं तो इतना कुछ ज्यादा मिलता नहीं है बट एनी थैंक यू सो मच गैस बाय गुड नाइट